नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दे पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्य में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल संचालकों और शिक्षकों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मेरा नाम लखनपाल मलिक है। मैं गांव जमा से संबंध रखता हूं और गांव जमा में ही देवीराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल पिछले 20 वर्षों से मैं इसको चला रहा हूँ। और 20 वर्षों में मैंने महसूस किया है कि जो हमारा शैक्षिक स्तर है वो बड़ा है, घटा नहीं है। रही शिक्षा के सुधार की बात, तो शिक्षा में हमारा जो मूल रूप से नैतिक पतन हुआ है, हमारा शिक्षा का स्तर नहीं गिरा है। हमें जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वो अपने नैतिक मूल्य को सुधारने की है। समाज का हर अंग नैतिक मूल्यों की गिरावट के लिए जिम्मेवार है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो अभिभावक है, चाहे वो नेता, राजनेता या हमारी शिक्षा पद्धति है। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। हम जहाँ नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय परंपराओं की बात करते हैं, उसमें यौन शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। यौन शिक्षा जितनी जानकारी बच्चों को चाहिए, जितनी उनको हमें देनी चाहिए, उतनी हमारे पाठ्यक्रम में 11वीं की 12वीं की फिजिकल एजुकेशन में, 10वीं की किताब में, बायोलॉजी में इतनी उपलब्ध है। शिक्षा के माध्यम से छात्र जो है, देखिए, एक शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे एक गरीब बच्चा भी, एक अमीर बच्चा भी जो है शिक्षा प्राप्त करके एक बड़ा ओहदा प्राप्त कर सकता है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, अपना सर्वांगीण विकास करके अच्छे अच्छे पदों पर जा सकता है। तो इस प्रकार अगर बच्चा शिक्षित होगा तो वो एक समाज का जिम्मेवार नागरिक बनेगा और वो आगे चल के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी करेगा। इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि शिक्षा जगत आज जो है बिल्कुल व्यापार है और हर प्राइवेट स्कूल इस प्रकार के धंधे में लिप्त है, चाहे वो बुक्स है, चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो स्कूली फीस है, चाहे वो अन्य अन्य प्रकार के चार्जेस लगाते हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, इसके लिए उचित नियमावली के लिए तौर पर या प्राइवेट जो एसोसिएशन है वो उचित कदम उठाकर इसको रोक सकते हैं। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।